मई का महीना अपने आखिरी पड़ाव पर है और जून की शुरुआत होने वाली है। अब नया महीना है तो जाहिर सी बात है कि नए बदलाव भी होंगे। ड्राइविंग लाइसेंस को लेकर भी कुछ खास बदलाव किए गए हैं जो 1 जून 2024 से लागू होंगे। हालांकि पायलट प्रोजेक्ट के तौर पर ये नियम कुछ कुछ जगहों पर पहले से लागू थे, लेकिन अब ये नियम पूरे देश में लागू होने वाले हैं। आइए आपको इन नियमों के बारे में और जानकारी देते हैं। अगर आपने अभी तक ड्राइविंग लाइसेंस के लिए अप्लाई नहीं किया है तो अब लाइसेंस अप्लाई करने के नियमों में छूट दी गई है। नए नियम के अकॉर्डिंग आने वाले समय में लोगों को ड्राइविंग लाइसेंस लेने के लिए ज्यादा पापड़ नहीं बेलने पड़ेंगे और काम भी झटपट हो जाएगा। अब ड्राइविंग लाइसेंस का टेस्ट देने के लिए किसी RTO यानी कि रीजनल ट्रांसपोर्ट ऑफिस नहीं जाना होगा। नए नियम के अकॉर्डिंग किसी भी रिकॉग्नाइज्ड ड्राइविंग स्कूल में टेस्ट देकर आप सर्टिफिकेट हासिल कर सकते हैं। इससे RTO जाने के झंझट से भी आप बच सकते हैं। बिना वैलिड ड्राइविंग लाइसेंस के लिए 2,000 रुपए का जुर्माना लगेगा। इसके अलावा अगर नाबालिग ड्राइविंग करते हुए पाया जाता है तो 25,000 रुपए का फाइन लगेगा और उसके माता पिता पर भी जुर्माना लगाया जाएगा। और तो और व्हीकल रजिस्ट्रेशन सर्टिफिकेट भी कैंसिल हो जाएगा। एनवायरनमेंट को कम से कम नुकसान पहुंचे इसके लिए केंद्र सरकार हर बड़ी पहल अपना रही है। सरकार 9,000 पुराने सरकारी व्हीकल्स को बाहर कर नए व्हीकल शामिल करने पर फोकस कर रही है। बता दें कि इसके लिए इलेक्ट्रिक व्हीकल्स पर फिलहाल ज्यादा फोकस किया जा रहा है। ड्राइविंग लाइसेंस अप्लाई करने की प्रोसेस में तो कुछ खास बदलाव नहीं किया गया है, लेकिन हाँ, पेपर वर्क में थोड़ी राहत जरूर दी गई है। ड्राइविंग लाइसेंस अप्लाई करने के लिए अब कम डॉक्यूमेंट्स की जरूरत पड़ेगी, खासतौर पर उनके लिए जो 2-व्हीलर और 4-व्हीलर के लिए लाइसेंस अप्लाई कर रहे हैं।